दोस्तों नमस्कार, मैं नरेश सैनी और इंडियन प्रॉपर्टीज़ की ओर से आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे आपको पता है कि हम आपके लिए प्रॉपर्टीज़ की नई नई वीडियो लेके आते हैं जिसमें कोठी, डुप्लेक्स, विला और फ्लैट्स होते हैं। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं 110 गज का 3 BHK ब्रांड न्यू कोठी। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की नई नई वीडियोज़ देखने का मौका मिलता रहे। तो चलो दोस्तों करते हैं इस कोठी को विज़िट। सबसे पहले दोस्तों आपको देखने का मिलता है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गली। जी हाँ, गली की बात, साइज़ की बात करें 30 फीट का ये गली है और ये आगे से बंद है, प्रॉपर बंद नहीं है, साइड में बगल से छोटा गली निकलता है जिससे बाइक वगैरह का रास्ता है, वो पैदल आने जाने का रास्ता है। कोठी के साइज़ की बात करें तो 110 गज की कोठी रहने वाली है और डायमेंशन की बात करें 24x41 24x41 ये कोठी का डायमेंशन है जो कि 110 गज बनता है। आप देख सकते हैं कोठी का एलिवेशन काफ़ी सुंदर बनाया गया है। बिल्कुल इसमें 2 रूम सेट नीचे और 1 रूम सेट आपको ऊपर मिलने वाला है। ऊपर अगर बात करें तो विद किचन, वॉशरूम और ड्राइंग बड़ा हॉल आपको मिलने वाला है। देख सकते हैं आप साइड से गली खुला है, बिल्कुल प्रॉपर बंद नहीं है, यहाँ से भी आने जाने का छोटा रास्ता रहेगा। बंद गली का एक फ़ायदा होता है कि आपकी यहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पर भी बढ़िया रहता है, गाड़ी आप 2 पार्क कर सकते हो यहाँ पे। बंद गली में क्या होता है कि बाहर की कोई भी ट्रैफिक फालतू यहाँ पे आता जाता नहीं है, जिनके घर होते हैं वहीं इधर आने वाले हैं। और सिक्योरिटी रीजन से भी बंद गली बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। उसके बाद कोठी के देख सकते हैं काफ़ी एलिवेशन साफ की सुंदर देखने को मिला। कोठी की अगर बात करें बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी से तैयार किया गया है। सबसे पहले मेन गेट दिखाई देता आपको, स्टेनलेस स्टील के बना हुआ विद फाइबर की मैचिंग होगा। इसमें अंदर चलते हैं तो एक बहुत बड़ा आपको फ्रंट गैलरी मिलता है जिसमें 2 से 3 गाड़ियों का पार्किंग स्पेस, आप बाइक का स्पेस आपको मिलने वाला है। अंदर आप एक छोटी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं। पार्किंग साइज की बात करें तो 11x9 का ही आपका पार्किंग साइज रहने वाला है। उसके बाद देखते हैं हम मेन वेलकम डोर जो कि 9 फीट का रहने वाला है जिसमें 2 फीट का विंडो और 7 फीट का डोर है। डबल डोर आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर मिलने वाला है जो एक ड्राइंग रूम से निकलेगा और एक मेन अपना फ्रंट यार्ड से निकलेगा। देख सकते हैं आप ड्राइंग डाइनिंग हॉल देख सकते हैं। अभी इस कोठी का फिनिशिंग वर्क चल रहा है तो थोड़ा सा सफाई का आपको इशू मिलेगा, लेकिन आप प्रॉपर्टी के लेआउट पर ध्यान दीजिएगा। अगर ड्राइंग रूम की साइज़ की हम बात करें यहाँ पे तो 13.5x16, जी हाँ 16x13.5 13.5x16 का ये ड्राइंग डाइनिंग हॉल रहने वाला है। इसी के अंदर आपको मिलता है एक बहुत बड़ा LCD कैबिनेट जो कि काफ़ी अच्छे वुडन मटेरियल से बनाया गया है। ये आपको इस कोठी में बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है। फ्रंट में देख सकते हो आप LED लाइट, फाल सीलिंग का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिया गया है। लाइट नहीं होने की वजह से इसलिए आपको LED लाइट जलती नहीं दिखेगा, लेकिन डाउन फाल सीलिंग, LED लाइट्स, पैनल, AC फिटिंग सब मिलेगा। मॉडुलर किचन मिलता है आपको बहुत बड़ा साइज यहाँ पे। किचन साइज की बात करूँ 11x8 11x8 का ये रहने वाला है। LED लाइट, डाउन फाल सीलिंग, गीजर फिटिंग, RO फिटिंग, चिमनी का प्रोविज़न, मॉडल किचन, वार्डरोब्स वगैरह, बास्केट्स, डबल सिंक, एवरीथिंग आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। एक आपको स्पेस यहाँ दिया जा रहा है फ्रिज रखने का और साथ में एक वॉशलेशन भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है बिल्डर की तरफ से। फर्स्ट बेडरूम की तरफ हम एंटर करते हैं। रूम साइज की अगर बात करें आपको तो 11x12 का ये साइज रहने वाला है। 11.5x12 का ये आपका रूम साइज रहने वाला है जिसमें आपको डाउन फॉल सीलिंग, LED लाइट्स, AC फिटिंग्स, वार्डरोब्स, ड्रेसिंग मिरर और LCD पैनल मिलने वाला है आपको इसके अंदर। ब्रांडेड टाइल्स रहेंगी और ब्रांडेड सारा ही वुडन वर्क्स मिलने वाला है। अटैच वॉशरूम रहेगा आपका इसके साथ में। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे
सनमाइका का यूज़ किया गया है, काफ़ी अच्छा मैचिंग कलर बनाया गया वार्डरोब्स के अंदर। लाइट कम होने की वजह से आपको शायद थोड़ा वीडियो को देखने में परेशानी हो, उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। वाशरूम देख लेते हैं दोस्तों, 7x5 का वो वाशरूम रहने वाला था हमारा जो हमने देखा। अब ये हमारा बैकयार्ड आ जाता है, वॉशिंग एरिया जो कि हमारा 5.5x9 9x5.5 का ये हमारा जो है वॉशिंग एरिया, जिसे हम यूटिलिटी एरिया और बैकयार्ड भी कहते हैं, ये होने वाला है। ओपन, दोनों तरफ से ओपन वेंटिलेशन रहेगा इसके अंदर और सनलाइट का पूरा इसके अंदर ध्यान रखा गया है। चलते हैं दोस्तों सेकंड बेडरूम की तरफ। इसके लिए अगर कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं। सेकंड बेडरूम का साइज अगर बात करें, सेम बेडरूम साइज आपको यहाँ पे मिलने वाला है और सेम बाथरूम साइज यहाँ पे रहने वाला है। इस बेडरूम में भी आपको LCD पैनल, वार्डरोब्स, LED लाइट्स, डाउन फॉल सीलिंग, AC फिटिंग्स, फैन फिटिंग्स, ड्रेसिंग मिरर, एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलने वाला है। स्लाइडर वार्डरोब्स रहने वाले हैं, साथ में आपको यहाँ पे एक विंडो मिलता है जिससे ओपन वेंटिलेशन रहने वाला रूम के अंदर आपका। साथ में आप इसके अंदर बाहर अपना कूलर वगैरह लगा सकते हो, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर विंडो आपका रूम के अंदर दिया गया है। इसके अंदर सेकंड वॉशरूम का साइज भी सेम रहने वाला दोस्तों। चलते हैं अब हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ, देख सकते हैं स्टेयर काफ़ी अच्छे मैचिंग ग्रेनाइट से तैयार की गई है। इस पर अभी स्टील रेलिंग लगना बाकी है जो कि आपको ऑन पोजीशन सब कुछ लगा के दिया जाएगा। फ्रंट में आप फर्स्ट फ्लोर पर देखते हैं 3 फीट का वाइड गैलरी मिलता है आपको। आपको यहाँ पे भी डबल डोर की एंट्री मिलती है, एक ड्राइंग रूम से और एक मेन अपना एंट्रेंस से। यहाँ पे भी LED लाइट्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डबल डोर आपको मिलता है, काफ़ी सुंदर वुडन मटेरियल से बनाया गया है। सेम LED लाइट, डाउन फॉल सीलिंग। अगर इसके ये एक होल रूम मिलता आपको, इस होल रूम की साइज की बात करें 16x13 का ये रहने वाला है। साथ में इसमें भी सेम आपको एक बहुत बड़ा LCD कैबिनेट मिलने वाला है। किचन की बात करें, सेम नीचे वाला जो साइज था वही किचन साइज आपको ऊपर मिलने वाला है। सेम एज इट इज़ जो भी चीज़ें नीचे किचन में थी, सेम एज इट इज़ आपको ऊपर मिलने वाली है। 11x8 11x8 का आपको ये रूम किचन मिलने वाला है। सेम LED लाइट, डाउन फॉल सीलिंग, एवरीथिंग। साथ में पीछे अगर बैकयार्ड की बात करते हैं हम जाते हैं पीछे टेरेस पर, एकदम देख सकते हैं साफ़ सुथरा और खुला डुला एकदम आपको बैक में आपको ये टेरेस मिलने वाला है। हमारी जो छत है पीछे मिलने वाली है, एक बड़ा वॉशरूम मिलने वाला आपको ऊपर 5.5x9 का ये वॉशरूम आपको मिलने वाला है। गली देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी बड़ा गली है, दो गाड़ी आपकी पर्सनल पार्क हो सकती है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों टॉप फ्लोर की तरफ चलते हैं। स्टेयर्स आप देख सकते हो, 3 फीट का स्टेयर्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है और सेकंड फ्लोर तक हमारी स्टेयर्स जाती हैं। साथ में आपको सेकंड फ्लोर की तरफ एक बड़ा स्टोरेज गैलरी मिलता है। ऊपर का मोंटी आपको टेम्परेरी मिलता है ताकि आप थर्ड फ्लोर बना सकें अपना। तो दोस्तों इस प्रॉपर्टी के विषय में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबरों से हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 60 लाख इसके डिमांडिंग प्राइस रखा गया है जो ऑन टेबल नेगोशिएट हो जाएगा। इसके विषय में कोई भी जानकारी हो कृपया आप हमें फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से शायद हमारे पास समय नहीं होगा देने का जवाब, तो कृपया आप हमें दिए गए नंबर से संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों,
इस जय हिंद जय भारत।